तो पिछले एपिसोड में मैं और मेरा दोस्त नदीम जो है इन्फॉर्मर विलेजर की हट के पास फाइनली पहुंच जाते हैं और हम उसके पास इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो देखते हैं अंदर कोई विलेजर था ही नहीं। हमें लगता है वो मर गया, लेकिन तभी मैं नोटिस करता हूँ इसके घर के पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। फिर हम लोग इसकी चेस्ट खोल के देखते हैं, तभी एक चेस्ट में मुझे एक बुक मिलती है जिसका नाम था इन्फो। तो मैं उस बुक को लेता हूँ और हम लोग डिसाइड करते हैं चलो इस बुक को खोलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। लेकिन जो ही हम इस बुक को खोलते हैं तो हम देखते हैं अंदर है एक कोड लैंग्वेज जो हमारी समझ में तो नहीं आ रही थी। तभी हम सोचते हैं चलो इसको अपने विलेजर के पास ले जाते हैं, और जो ही हम बाहर निकलते हैं तभी हम पर एक बॉट अटैक कर लेता है। फिर हम लोग भागते हैं, लेकिन ये बॉट टोटली डिफरेंट था जिसने हम पे पहली बार अटैक किया था। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये बॉट जो है ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा था और इसको बीट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी था। फिर हमारी फाइट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां फाइनली मैं इस बॉट को मार देता हूं। फिर उसके बाद जब हम अपने विलेज पे जाते तो देखते हैं विलेज गायब हो चुका है। अब आगे हमारा विलेज कहाँ गया? ये सोचने की बात है, इतना बड़ा विलेज इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, अनब्रेकेबल वॉल प्लस, ये कैसे हो गया? चूर कैसे हो गई यार? टर्मिनेटर्स का तो काम भाई, वो डिस्ट्रक्शन करते भाई, यहाँ जंगल को गा के क्यों जाते वो लोग? सोचने की भाई, जल्दी करो कुछ बोलो। एक मिनट, उस इंटेलिजेंट विलेजर ने कहा था यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बेस भी है। ओह हाँ हाँ, उसने हमें कहा था यहाँ पर विलेजर्स को उधर ट्रांसपोर्ट किया है। हाँ, एक काम करें वही ढूंढे, लेकिन एक मिनट हम ढूंढेंगे कैसे, उसने कहा था वहाँ जाना बहुत हार्ड है। रुको, एक और बात सोचो, जब हम सीक्रेट वॉल के अंदर जब गए थे वो ऐसा ही फॉरेस्ट टाइप था, लीवर था ना उसी के पीछे। ओके ओके, यहाँ ढूंढ, चलो ठीक है। और हाँ, मैं एक हिंट दे देता हूँ, जो डीप मतलब पेड़ एक दूसरे के साथ चिपके होंगे ना, उधरी देखना वो यहाँ पर है बराबर। मैं इससे पहले यही से देखना, चलो यही पर ढूंढो, यहाँ पर पक्का होगी एंट्रेंस, यहाँ पर पक्का होगी एंट्रेंस, यहाँ पर पक्का होगी। भाई मैं फंस गया, और तुक्का क्या मार रहे हम दोनों ने, करेक्ट लिख, मुझे तो पूरा पता है। 3, 2, 1, go. उतरो नीचे जल्दी, मैं बंद कर दूंगा। कर लो भाई, कितना है भाई, सीरियस हो जाओ थोड़ा भाई, ये देखो ना क्या हो रहा है, विलेजर्स की है, डरने की क्या बात भाई, डरने की बात, यहाँ टॉर्चर फॉर्च लगा रखी है तो कितने अमीर है ये लोग, इन लोगों ने पहले वॉल बनाई आयरन। भाई मैं तो ऐसे ही कह रहा था अमीर, ये तो हमसे ज्यादा अमीर है, इतने आयरन हमें दे दो, भर भर के आर्मर बना भाई, यहाँ से नीचे क्या है? ओ विलेजर, आवाज आई मुझे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है भाई, ये देखो इनकी वो है ना भाई, यहाँ पर विलेजर्स को रखा है भाई, अंदर काम करे, ये देखो भाई ये क्या फालतू हरकत कर रहा है भाई, ओ माय गॉड, हमारा विलेजर इनमें से कौन सा है? ओ ये तो मैंने सोचा नहीं, एक मिनट मैं इनसे एक बात बात करके आता हूँ, देख और इनको बुक दे, बात कर ली, क्या कहा उसने? वो जो है ना वो लेक्टन पे वहाँ से जो गया अभी, वो ये शामिल हुआ, यही हमारा विलेजर, इसने बोला हमें थैंक यू, इसने बोला कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, मैंने कहा लेकिन लेकिन हम पर एक टर्मिनेटर ने अटैक किया, मतलब कौन सा टर्मिनेटर, मैंने बोला जिसके ब्लैक कपड़े होते हैं जो थोड़ा स्टील जैसा था वो, और इसने कहा कि ऑड है वो, वैसे अकेले नहीं होते वो, एक मतलब दो होते हैं मैक्सिमम, तो उसने बोला कोई बात नहीं छोड़ो, हमारा अंदाजा सही था, इस पे जो है ना ये इंफॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन थी या मतलब ये कोड थी। फिर पता है क्या हुआ, इसने अचानक से मुझे बोला कि एक मिनट, वो अकेला था ना, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, मतलब इसने बोला हमें कि ये ट्रैप, सुनो सुनो, इसने बोला ये ट्रैप भी हो सकता है, इसने अब हम दोनों को बोला है ऊपर जाओ और ऊपर एक बार चेक करता है, जाए हम ऊपर, चलो चलते हैं भाई, अगर अगर उन लोगों ने इस जगह को पिन पॉइंट कर लिया भाई, ये सब कुछ छोड़ने वाला है, बोला वो लोग अब नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से हमने उनकी लगभग उसका एक उनका एक साथी भी मार दिया भाई, जल्दी करें वो, अब हम तो गए। और इसने बोला, इसको मैंने बोला ना भाई अब तो कैसे अंदर आए, ठीक है, बोला हमारा जो सर्वर जो ठप हो गया था विलेजर्स का, इनमें एक हमें मैसेज आई, जो हमारा लीडर जो होते हैं ना मेन, उन्होंने हमें कहा कि फटाफट अंडरग्राउंड हो जाओ, बॉट्स अनब्रेकेबल वॉल भी तोड़ रहे हैं, ओह माय गॉड, इसलिए ये लोग फटाफट, हम नहीं तोड़ पाए, वो कैसे तोड़ पाए भाई, समझ नहीं आ रहा, बहुत क्रेजी हो रहा है यहाँ पर भाई, चलो चलो भाई निकलो पहले बाहर, पहले हम लोगों को देखो इधर, आप उस साइड से देखो, मैं इस साइड से देखता हूँ, कोई टर्मिनेटर तो नहीं मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है रगड़ दो उधर ही, खत्म कर दूंगा, अगर वो लगा ना आपको उसको मार नहीं पा रहे हो, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, भाग जाना,
भाई बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई मिला? मुझे तो नहीं मिल रहा है यहाँ आसपास। मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ इधर हूँ मैं। एक काम करें, हम उस इन्फॉर्मर वाली जगह पे जाए, हो सकता है उधर वहीं पे हमें अटैक किया था ना। हाँ हाँ उधर ही हो सकता है। आजा आजा आजा। हाँ हाँ उधर ही चलते हैं, और वहाँ से भी हम सेफ नहीं आएंगे अगर हमें नहीं मिला कोई, क्योंकि हो सकता है ये लोग जानबूझ के इन लोगों ने ये सब सेटअप किया हो। भाई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो चुका है भाई। ये विलेजर्स इतने ज़्यादा जो कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये तक डर रहे तो हमारी क्या मतलब, हम लोग क्या कर सकते हैं। यार ये टर्मिनेटर्स भी नहीं मिल रहे हैं भाई, ज़रूरी है मिलना पहले। फिलहाल हम लोग ढूंढ, फिर वो कुछ ये कुछ प्लान करेंगे। वो क्या 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 हुआ क्या वो अबे भाई ये वो वाला है। अब भागो भाई, ये वो ही वाला है, ये वही वाला है जिससे हमने पहले फाइट की थी, और एक वो वाला है भाई, और एक आ रहा है भाई। भागो भागो भागो, विलेजर ने सही कहा था, विलेजर एकदम करेक्ट था। आजा बेटे आजा बेटे आजा भाई, मैंने शील्ड नहीं लगाई भाई, मैंने शील्ड नहीं लगाई। अरे पागल नहीं, अपने अपने पीछे रखो 2 सेकंड के लिए प्लीज। ओके ओके मैं आता हूं। आ जा बेटो आ जाओ बेटो, ये इंस्टेंट ये भाई भाई रुको रुको, आ जा बेटे आ जा बेटे, इनको तो मारना इजी है भाई, रुको मैं आपको बता रहा हूं। आ जा बेटे आ जा बेटे आ जा बेटे आ जा बेटे, भाई मुझे डर लग रहा है मेरे पीछे ना पड़ जाए, दोनों ना पड़ना, दोनों पड़ना भैया, तीनों पड़ गए। हां बेटे रुको भाई, आ जा बेटे बेटे आ जा, नहीं 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 भाई मार रहे हैं भाई, मार रहे हैं भाई, मार रहे हैं भाई, ऐसे तो हेल्थ चली जाएगी। हारो बचा नहीं भाई, जल्दी बचाओ प्लीज। ओ भाई 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 ये मतलब फिर भी हमारे पास डायमंड का आर्मर है, नहीं तो ये तो पेल देते भाई। मारो जल्दी मार रहा हूँ यार, ये मरते ही नहीं है भाई। आप किस खेत की मूली हो मुझे बोल लो, हेल्थ मत कम हो रही है ज़्यादा। हाँ हो रही है, भागो भागो आप भागो आप जल्दी, मैं इनको अपने पीछे ले रहा हूँ भाई, मैं इनको अपने पीछे ले रहा हूँ। अब हेल्थ जनरेट करके आ जाओ। हाँ मेरी हेल्थ भी जा रही है, मेरी हेल्थ भी जा रही है। नो 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 नो, ओह भाई सही टाइम पे एप्लीफाई आएगा। ओके ओके मेरी कहाँ गए जल्दी, इनको मैं अकेले संभाल भी सकता हूँ लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा है, मैं इनको 3 क्वांटिटीज़ में नहीं ले सकता पहले। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टावर अप। ओह माय गॉड ओ माय गॉड, अब गड्ढे में गिर गए। कम हार्ट भाई, नीचे ही रहना। ओह माय गॉड, मैं नीचे ही रहना, मैं इनको अकेले संभाल लूंगा भाई, ये तो मोटी गड़बड़ हो गई। हेल्थ कितनी है? हाफ हार्ट। आर्मर मत टूट गया, नहीं थोड़ी है भाई, उसकी आर्मर की हेल्थ खत्म हो चुकी है भाई। ओह माय गॉड, मेरे आधे से ज्यादा आर्मर की भी हेल्थ उसकी खत्म हो चुकी है। ओह माय गॉड, ओ भाई हो गया। आजा बेटा आजा बेटे बेटे दी जान, जल्दी जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा टेंस मामला हो चुका है भाई, हम पे हमला हो गया है। फिर भी इन लोगों ने हमें पूरा ट्रैक नहीं किया वहाँ तक भाई, ये कितना आसान हो गया भाई। ओ भाई भाई, वो से फिलहाल वो डिस्कनेक्ट भी हो गया है नदीम, पता नहीं कैसे, उसकी शायद इतनी हेल्थ कम है, उसने जान भी नहीं दिया। ओ माय गॉड भाई भाई, मैं मरने वाला भाई, इतनी ज़्यादा भाई शील्ड अप। भगो। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ। अच्छा भाई भाई क्लच क्या मारा मैंने, जल्दी खाओ, यहाँ से पानी भी मार डाले मुझे भाई, जल्दी करो। ओ माय गॉड भाई, उसके ऊपर से वो गलत टाइम पे निकल लिया भाई, बेचारी की क्या कर सकता हूँ मैं, उसको क्या भी कह सकता हूँ बेचारी की, तो वो गड्ढे में गिर गया। अच्छा बेटे पानी से बाहर नहीं आने दूंगा। जल्दी भाई, मर जा रहा है यार, इनमें से एक भी नहीं मर रहा है, पहले तो मर रहे थे बहुत अच्छे से। मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला पड़ गया भाई। उसको मैं कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेलो। ओ माय गॉड, वो डिसकनेक्ट हो रहा है। ओके एक मर गया भाई। आ जा बेटे, पहले इस ये थोड़ा हार्ड है इस वाले को डिफीट करने, क्योंकि ये जो है ना, ये एक हिसाब से ये बहुत, एक तो बचने में भी उस्ताद है, और प्लस ये हेल्थ भी अच्छी खा लेता है। अब क्या करूँ मैं भाई, क्या करूँ। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस मामला हो रहा है यहाँ पर, मैं इनसे लड़ के थक गया भाई। ये मर ही नहीं रहे, इनमें से कोई भी नहीं मर रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा मामला पानी गलत हो चुका है। ओ माय गॉड, लेट्स गो, मैंने इसको मार दिया, लेकिन देखो मेरे आर्मर की हेल्थ में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरी आर्मर की हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रही है। ओ माय गॉड, ओके यहाँ पर बच गया, ये सेफ जोन है मेरा ये सेफ जोन है। ओ भाई भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस मामला हो रहा है, इसको मैं मारूं कैसे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मर नहीं रहा है, पता है इसको मैंने तब से कितने हिट मारे। और ऊपर से वो भी चला गया, वो थोड़ी हेल्प कर देता। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे क्यों लग रहा है ये वही बॉट है जिसने हमसे लड़ाई की थी।
आजा बेटे, आजा बेटे, अब ये लड़ाई बहुत खतरनाक जाने वाली है। ओ नो, मेरी शील्ड गई, फिर भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आजा बेटे, ओ माय गॉड, मैंने इसको हरा दिया। व्हाट, मेरी स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई, ये कैसे हो सकता है, ब्लैक क्यों हो गई? ओके, स्क्रीन आ गई, एक मिनट, ये मैं कहूँ, ये बहुत से यहाँ पर, तो एक मिनट, मैं किस जेल में बंद हो गया हूँ? व्हाट, मैं क्या भाई, मैं फंस गया यहाँ पर, व्हाट द हेक।